दिल्ली के राजपथ का नाम बदला, कर्तव्य पथ होगा नया नाम। एनडीएमसी की बैठक में राजपथ का नाम बदलने का प्रस्ताव पास। कल पीएम करेंगे सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन। 1175 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था। पीएम के कार्यक्रम के लिए इंडिया गेट पर ट्रैफिक रूट डायवर्ट। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने दिल्ली के एलजी के भेजे नोटिस को फाड़ डाला। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लीगल नोटिस के पन्नों के टुकड़े उड़ाए। एलजी ने भेजा था विधायकों को मानहानि का नोटिस। नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे पर बीजेपी हमलावर। रविशंकर प्रसाद बोले, नीतीश भ्रष्टाचारी कुनबे को जोड़ने में जुटे हैं, देश अवसरवादी गठबंधन को रिजेक्ट करेगा। उद्धव को संजय राउत से जेल में मुलाकात की नहीं मिले इजाजत। जेल प्रशासन ने कहा, ये अपने किचन से ही क्लाउड किचन का कारोबार करते हैं। दिन में 4-5 घंटे ज्यादा काम करते हैं, हर महीने 1.5 से 2 लाख कमा लेते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जेलर के कमरे में मुलाकात बिल्कुल नहीं हो सकती। मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद है राउत। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आगाज। राहुल गांधी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से हुई शुरुआत। पेरम्बदूर में राहुल के पिता राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी। थाने में अमरावती की सांसद नवनीत राणा का हंगामा। बोली, लव जिहाद के मुद्दे पर कार्रवाई नहीं कर रही पुलिस, सवाल करने का मेरा फोन रिकॉर्ड किया। दिल्ली में इस बार भी दिवाली बिना पटाखों वाली रहेगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने कहा कि दिल्ली में 1 जनवरी तक सभी तरह के पटाखों के उत्पादन, बिक्री और इस्तेमाल पर रोक रहेगी। देश भर में कई ठिकानों पर आयकर विभाग का छापा। राजनीतिक दलों की फंडिंग मामले में दिल्ली, यूपी, जयपुर, बेंगलुरु और छत्तीसगढ़ में आईटी की रेड। राजस्थान में 53 ठिकानों पर आयकर विभाग ने मारी रेड। मिड डे मील में कमाई करने वालों के खिलाफ आईटी का एक्शन। मंत्री राजेंद्र यादव के ठिकानों पर भी छापेमारी। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के कानून मंत्री मलय घटक के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी। कोलकाता में 4 और आसनसोल में 1 जगह रेड। कोयला घोटाले के मामले में कार्रवाई। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में आरएसएस के खिलाफ भड़काऊ नारेबाजी का वीडियो वायरल। एक्टिविस्ट सफूरा जरगर का एडमिशन रद्द होने का विरोध। जामिया में आरएसएस के खिलाफ हुई भड़काऊ नारेबाजी को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। वीएचपी ने कठोर कार्रवाई की मांग की है। गाजियाबाद के बाद नोएडा में कुत्ते का हमला। अपेक्स एथेना सोसाइटी की लिफ्ट में कुत्ते ने एक व्यक्ति को काटा। वीडियो वायरल। बिहार के सिवान में बदमाशों ने पुलिस टीम पर किया हमला। पेट्रोलिंग पर निकले पुलिस को देखते ही भागने के लगे आरोप। पुलिस ने पीछा किया तो कर दी गोलियों की बौछार। एक जवान की मौत। अब कार में पिछली सीट पर भी सीट बेल्ट लगाना जरूरी। साइरस मिस्त्री की हादसे में मौत के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का फैसला, नियम तोड़ने पर भरना होगा जुर्माना। दिल्ली में घरेलू विवाद के चलते पति ने की पत्नी की चाकू मारकर हत्या। बेटे और खुद को भी मारा चाकू। इलाज के दौरान शख्स की मौत, बेटे की हालत गंभीर। पटना में डबल मर्डर से सनसनी। बड़ी पहाड़ी के पास स्कूटी सवार 2 युवकों की गोली मारकर हत्या। वारदात को अंजाम देकर अपराधी फरार। आईआईटी कानपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्र का पंखे से लटका मिला शव। फॉरेंसिक की टीम ने छात्र और लैपटॉप और उसके मोबाइल को भी कब्जे में लिया। उज्जैन में रणबीर कपूर आलिया भट्ट का भारी विरोध। महाकाल मंदिर के बाहर हिंदू संगठनों ने किया प्रदर्शन। रणबीर आलिया के खिलाफ किया गया उग्र प्रदर्शन। मुंबई में चोरी का हैरान करने वाला मामला। डिस्काउंट नहीं मिलने पर आरोपी ने ज्वेलरी शॉप में की चोरी। 2000 रुपए की छूट नहीं मिलने पर 1,20,00,000 रुपए के जेवरात लूट लिए।
मुंबई के एक स्कूल में छात्रों को इंसान की तरह पढ़ा रही महिला रोबोट। आईआईटी केंद्रीय विद्यालय के बच्चों को ये रोबोट पढ़ा रही है। महिला रोबोट 47 भाषाओं में क्लास देने में सक्षम है। कंगाली के कगार पर खड़े पाकिस्तान में कुदरत का कहर जारी। सिंध में ऐतिहासिक हिंदू मंदिर साधु बेला बाढ़ में पानी में डूब गया है। कई जाने जा चुकी है, सैकड़ों लोग अभी भी लापता है। बर्बादी की बारिश और बाढ़ से जर्मनी के कुछ हिस्से भी प्रभावित। एडॉप में महज आधे घंटे की मूसलाधार बारिश के बाद सैलाब का राज कायम। सड़क के तालाब में तब्दील। और थाईलैंड में भी बाढ़ बारिश का कहर जारी। चक्रवाती तूफान के बाद कई घंटे हुई मूसलाधार बारिश के बाद हुआई ख्वांग में बाढ़ जैसे हालात। रुक गई शहर की रफ्तार। ये अपने किचन से ही क्लाउड किचन का कारोबार करते हैं। दिन में 4-5 घंटे ज्यादा काम करते हैं। हर महीने 1.5 से 2 लाख कमा लेते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।